हिजबुल्ला चीफ के बयान से पहले इसराइल ने जंग खत्म करने का फॉर्मूला दिया था, लेकिन हमास ने इसराइल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। साल भर से गाजा में इसराइल ने हजारों टन बारूद बरसाया। हमास का दावा है कि 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इतनी तबाही के बाद भी डेडलॉक बना हुआ है। सोर्सेज के मुताबिक इसराइल ने हमास को जंग खत्म करने का आखिरी मौका दिया था। इसराइल की शर्त ये थी कि हमास चीफ याहिया सिनवार और उसके परिवार को गाजा से निकलने का सेफ पैसेज देंगे। इसराइल की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर सिनवार चाहे तो अपने साथ हमास के कई लड़ाकों को भी ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमास को सभी 101 बंधकों को रिहा करना होगा। इसराइल के होस्टेज कोऑर्डिनेटर के हवाले से मीडिया में ये दावा किया गया, लेकिन हमास ने इस ऑफर को हास्यास्पद बनाकर खारिज कर दिया। हमास ने कहा कि याहिया सिनवार और दूसरे कमांडर्स मैदान जंग को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसराइल का ये प्रस्ताव नेतन्याहू की नई चाल है। ये भी कहा गया कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। इसके बाद हमास और इसराइल दोनों की तरफ से गाजा ऑपरेशन को लेकर वीडियो जारी किए गए। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक लगभग साल भर पहले याहिया सिनवार को गाजा की सुरंग में देखा गया था, जिसके बाद से उसका कोई नया वीडियो सामने नहीं आया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।